आईटीआई की बात करें तो विदिशा जो कि मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है, वहाँ के आईटीआई के भी बुरे हाल हैं। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उनको भी जिम्मेदार ठहरा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी? नहीं, जैसे आपने बताया, मैं विदिशा आईटीआई खुद गया था, वहाँ के अधिकारी जो है उनको हटाने का हमने फैसला भी किया है। बहुत सी जगह हमने हटाए, भोपाल में भी हमने हटाए, बहुत सी जगह हटाए। आप इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो में आप घोषणा कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि विदिशा में जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहाँ के अधिकारियों को हटाया जाएगा? नहीं, वहाँ के पेंशनरों को हटाने का हमने निर्देश दे दिया, वो हट रहे हैं, बहुत जल्दी हट रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर इंडिया फर्स्ट के जरिए यहाँ पर एक बड़ी घोषणा यहाँ पे मंत्री जी ने की है, और ये एक नज़ीर यहाँ पर जरूर पेश करेगा कि किस तरह से अगर कोई भी मंत्री जी की योजना, विभाग की योजनाओं को अगर पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा, और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इंडिया फर्स्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि चैनल भी फर्स्ट रहे। और जब आप इंडिया फर्स्ट की बात कह रहे हो, आपने नाम इंडिया फर्स्ट रखा है, तो आपके चैनल से वो बातें पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें वास्तव में इंडिया फर्स्ट है। मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं लीजिए। अच्छा है आपका ये इंडिया फर्स्ट ये जो चैनल है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको, आशुतोष जी को, चैनल को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत शुभकामना मेरी ओर से।